पे जांच कर रहे थे उनको अपनी बातों को रख दी है, इससे ज्यादा हमको नहीं। हम लोगों का एक ही चिंता है कि फेयर इन्वेस्टिगेशन, और हम तो ये चाह रहे हैं फेयर इन्वेस्टिगेशन। तो जो वारदात जो बीत गई है वो उसके लिए है कि जो दोषी है उसको सजा मिले, लेकिन जो किंग पिन लोग जो सही में जिनका इन्वॉल्वमेंट है, जो संरक्षण देने, आप पूछिए कि अभी भी मधुबनी जो शेल्टर होम है उनके जो भी ओनर हैं, अब तक उनसे क्या पूछताछ हुई? संजय झा जी के जो बीए हैं क्यों नहीं अब तक उस पर कार्रवाई, क्यों नहीं लाइसेंस रद्द कर दिया गया? अभी भी वो बच्चियां हैं कहाँ पर? वो तो चिंता उन बच्चियों की है कि वो बच्चियां हैं आप मानते हैं, और क्या वो सुरक्षित हैं, क्या वो बदल दी गई हैं? आप देखिए सृजन घोटाले में तो आप सब लोगों ने देखा, तो उस पर हम ज्यादा कुछ नहीं कहेंगे। अभी कोर्ट ने अपना टिप्पणी कर दिया, हमको जो कहना था हमने कह दिया। लेकिन आप अभी भी नीतीश कुमार के रहते हुए जो भी बड़े बड़े अधिकारी हैं, बड़े बड़े मंत्री नेतागण हैं, उनको पूरी तरीके से बचाने का काम किया जा रहा है। कुछ दिनों बाद हम लोगों ने बोला नीतीश कुमार और सुशील मोदी अगर इस्तीफा नहीं लेते हैं तो हम लोगों को दिलाना पड़ेगा, और हमने बम वाली बात नहीं थी, हम सच में मजाक के मुद्दे में नहीं हम बात कर रहे हैं, हम सही में ईमानदारी से कह रहे हैं, और हम बार बार कह रहे हैं कि नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री शरद कुमार मोदी अगर इस्तीफा नहीं दिलाएंगे तो इस्तीफा हम लोग दिलाने का काम करेंगे। और जो बम की बात है जिससे लगातार कई लोगों ने पूर्व में भी इग्नोर किया लेकिन बाद में कुछ और निकला, उसी प्रकार से कुछ लोग अभी इग्नोर कर रहे हैं, लेकिन दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। उसलिए समय है अंतरात्मा को जगाएं, और जो लोग इसमें जिनकी इन्वॉल्वमेंट रही है, चाहे आपके कितने भी प्यारे और खास खास हों, उनको आप तुरंत रेजिग्नेशन लीजिए और उनको सजा दिलाने का।